हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू पॉल एडिट्स। आज मैं आप लोग इस वीडियो बताने वाला हूँ कि लाइटरूम की मदद से आप अपने फोटो में कुछ इस टाइप का ब्लू टोन इफेक्ट कैसे डाल सकते हो। अगर आप लोगों को ये वाला एडिटिंग करना अच्छे से नहीं आता तो इस वीडियो का आप लोग पूरी अच्छे से देखते रहिए, तभी आपको पूरा एडिटिंग समझ में आएगा। और हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं लाइटरूम में फोटो ऐड कर दिया हूँ। ठीक है गाइस, तो आप लोगों भी सबसे पहले फ़ोटो ऐड कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो फोटो ऐड करने के बाद मैं अभी सिंपली जाऊंगा लाइट्स में। ओके, तो लाइट्स में जाने के बाद सर कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ पे 12। ठीक है, और उसके बाद मैं अभी जाऊंगा कलर्स में। तो कलर्स में जाने के बाद मैं इसका वाइब्रेंस को थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंक्रीज। आप अपने फ़ोटो के मुताबिक करना, ठीक है। मैं यहाँ पे 27 किया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी 27 करो, आपका फ़ोटो में जितना चाहिए उतना करना आप लोग, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज, यहाँ पे 16। ठीक है, अभी मैं जाऊँगा मिक्स टूल में। तो मिक्स टूल में जाने के बाद मैं सबसे पहले ग्रीन में चला जाता हूँ, ठीक है। तो ग्रीन में जाने के बाद इसका ह्यू एंड सेचुरेशन को मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंक्रीज, ठीक है, 100, और सेचुरेशन भी 100 कर देता हूँ। देन मैं जाऊँगा यहाँ पे येल्लो में, येल्लो का ह्यू एंड सेचुरेशन को मैं कर देता हूँ यहाँ पे इंक्रीज। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन वाला कुछ टोन आ चुका है, ठीक है, लेकिन हम लोग को ब्लू वाला टोन चाहिए। अभी यहाँ पे ग्रीन वाला टोन है, तो इसको मैं सबसे पहले कर देता हूँ डन। तो डन करने के बाद मैं अभी जाऊँगा प्रोफाइल वाले ऑप्शन में। तो प्रोफाइल में जाने के बाद मैं सिंपली आर्टिस्टिक फोर में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो आर्टिस्टिक फोर में क्लिक करने के बाद इसका अमाउंट को मैं थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूँगा 116, ठीक है, और उसके बाद मैं कर देता हूँ डन। तो डन करने के बाद मैं जाऊँगा कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद मैं मिक्स में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो मिक्स में क्लिक करने के बाद मैं फिर से अभी जाऊंगा ग्रीन में। तो ग्रीन में जाने के बाद मैं पहले क्या किया था, ह्यू एंड सेचुरेशन को इंक्रीज कर दिया था, ठीक है। तो अभी मैं सेचुरेशन को डिक्रीज करूंगा कुछ इस तरीके से, माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग देख रहे हो थोड़ा थोड़ा ब्लू टोन आ चुका है हम लोग का फोटो में। तो अभी मैं जाऊँगा येल्लो में। तो येल्लो में जाने के बाद इसका सेचुरेशन को भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ माइनस, ठीक है। तो माइनस करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ डन। तो डन करने के बाद अभी मैं जाऊंगा कलर ग्रेडिंग में, ठीक है, इस वाले में। तो इसमें जाने के बाद मैं इसका शेडोज को मैं कर देता हूँ यहाँ पे कुछ ब्लू टोन है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद मैं जाऊंगा मिड टोन्स पे। तो मिड टोन में जाने के बाद इसको भी थोड़ा सा ब्लू में कर देता हूँ इसको कुछ इस तरीके से। तो अभी मैं जाऊंगा हाइलाइट्स में। तो हाइलाइट्स का यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ यहाँ पे, ये अब ठीक है। और उसके बाद मैं कर देता हूँ इसको डन। तो डन करने के बाद अभी मैं जाऊँगा एफेक्ट्स में। तो एफेक्ट्स में जाने के बाद इसका विग्निटी को थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिक्रीज, माइनस कर देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही करना करूँगा। एंड ये हो चुका है। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये बिफोर वाला एंड ये आफ्टर वाला। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखकर आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, एंड अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को भी ऑल में क्लिक कर दो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ गाइस, अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जल्द से फॉलो कर लो। और इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।